वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। किताब में इब्ने मसूद से मनकूल है कि इख्तिसाम दरजात बिल आमाल होगा। बहुत से लोग सुन्नतों और नवाफिल में कोताही करते हैं, उनको यह नहीं ख्याल होता कि इन्हीं सुन्नत नवाफिल के जरिए तो अल्लाह का कुर्ब मिलता है। हम जब बच्चे थे छोटे से, तब तो इशा की नमाज 17 रकत पढ़ते थे, और जब वालिद साहब को देखा तो 9 रकत पढ़ने लगे, 8 रकत हजर। समझ में आया ना भाई? और उसके बाद जब तक ज़ियाउल्लूम में थे, हर नमाज के बाद तस्बीहात फातिमी पढ़ते थे। जब मज़ाहिरुल्लूम में आए और वहां अद्दुआउ सिर्रील मुख्तसर देखी तो अभी छूट गई, और जब हमने कुरान जलालैन पढ़ी तो शैतान आया, कहने लगा ये भी तो कुरान ही है, क्या जरूरत है रोजाना तिलावत की। हजर वो भी छूट गया, सब छूट गया। वो तो फिर रहमत इलाही को कुछ करम की नजर डालने का मौका कैसे मिला वो तो वही जानते हैं। बहरहाल एक नजर हुई, हजरत मौलाना असदुल्ला साहिब रहमतुल्लाह अलैह की नजर हुई, बस फिर सब शुरू हो गया कि ये कौन थे। एक बुजुर्ग थे हमारे इलाके में, हजरत अकदस थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा में हमारे मदरसे के नाज़िम थे। उनकी कुव्वत कल्बिया से कम लोग वाकिफ थे। हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह को भी नहीं अंदाजा था कि इतने बड़े आदमी। अंदाजा जब हुआ जब इसराइल की जंग हुई मिस्र से, तो इन बुजुर्गों ने खत में बुखारी की मजलिस रखी। बिल्कुल असर के करीब हजरत तशरीफ लाए नाइम साहब और फरमाया बच्चों दुआ करो। ये लफ्ज क्या था, जैसे मालूम होता है कि लोगों के कुलूब पर बिजली गिर गई और हमारे कुलूब निकले जा रहे थे अंदर से, और शायद 1.5 मिनट गुजरे होंगे। बच्चों बस, ऐसा मालूम हो कोई दरियाए रवा के सामने सद्द सिकंदरी हायल हो गई। उस दिन अंदाजा हुआ, मैंने खुद देखा हजरत को, कि हजरत नाइम साहब की कुव्वत कल्बिया के बिल्कुल कायल हो गए कि बड़े आदमी। और शाम को इत्तला आई कि जंग बंद हो गई। तो ऐसे ही एक दिन मैं बीमार पड़ा था, मैंने हजरत के यहां प्याम भेजा नाजिम साहब के यहां कि हजरत मेरी तबीयत बहुत खराब है, क्या आप लोगों को बताऊं। फरमाया मैं तुमसे गाफिल नहीं, भी ये क्या चीज थी मैं नहीं जानता, मेरे सारे वजूद में कोई चीज अंदर चली गई और मेरे सांस से आंख से मुंह से नफी इस बात जारी हो गया। समझ में आया ना? और उनकी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कहने की नहीं है। तो असलन तरबियत बातिन हमारे हजरत नाज़िम साहब ने हमारी की। एक दिन बुलाया, क्या उनकी करामात बयान करूं। मैं असर की नमाज पढ़ के सलाम फेरते अंदर भाग जाता था मस्जिद में, और एक रुकू दो रुकू पढ़ता था। हजरत ने फरमाया मियां यूनुस को बुलाओ। मैं गया, फरमाया जब दुआ करो तो दिल लगा कर करो। मैं अंदर चला गया, फिर फरमाया बुला के लाओ, जब दुआ करो तो दिल लगा के करो। फिर मैं चला गया, फिर तीसरी मर्तबा बुलाया, फरमाया जब दुआ करो तो दिल लगा के करो। उसके बाद क्या हालत तारी हुई, आप क्या बयान करें। हम तो वैसे ही के वैसे ही कौदन, लेकिन जो चंद दिन में हालत गुजर गई वो
جس پر گزری وہ جانتا ہے اور جس نے ایسے کر کے ختم کر دیا وہ جانتا ہے. جب ناقابل برداشت حالت ہو گئی تو میں نے پیام بھیجا تو حضرت نے فرمایا میں آنے قابل نہیں ورنہ میں خود آتا. میں گیا, لڑکوں نے کہا حضرت یہ آئے. فرمایا اولئک لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ختم. بہت چاہا کہ وہ حالت پیدا ہو جائے, ہوئی ہی نہیں. اس ایک لفظ میں سب ختم ہو گئی. کہ وہ کیا حالت تھی, آخرت کا اتنا زبردست تصور طاری ہوا تھا کہ اگر میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا تو زور سے آواز کے ساتھ رونا نکلتا اور معلوم ہوتا کہ میں اس وقت قبر میں کھڑا ہوں. ایسا زبردست اثر ہو گیا تھا کہ وہ تین دن میرے لیے ناقابل برداشت ہو گیا. تو میں نے ان کو اور ان کی کیا میں باتیں کہوں, کیا کہوں. حدیث الحزن یا سعدا طویل. یہ باتیں کہنے کی نہیں. ایک دن میں بیٹھا تھا مجلس میں, کشف و کرامات کا خیال آیا, اسی وقت فرمایا اس سے تمہارا کیا فائدہ, ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو گے ایک درجہ بڑھ جائے گا. اور ان کی باتیں ہی عجیب ہوتی تھی. ما رائناہ سقطت لہ دعوی. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل الحق کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.